बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 99वीं जयंती है। इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गाँव पेतावनझिया में मौजूद स्मृति भवन में आयोजित संवर्धन सभा में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री गोखल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय कर्पूरी ग्राम में मौजूद मूर्ति भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम नव सृजित कर्पूरी ग्राम थाना का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी चरम पर है। डीएम और एसपी ने तैयारियों को लेकर घटनास्थल का जायजा भी लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती पर हर साल की तरह इस साल भी मनाई जा रही है धूमधाम के साथ। इस मौके पर मुख्यमंत्री का आगमन होगा, जहां सीएम माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही समस्तीपुर जिले के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के दुख और सुख के जो साथी हैं वो सभी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक महीने से तैयारी चल रही है, चार पांच बार यहाँ के प्रशासन डीएम एसपी अधीनस्थ सभी पदाधिकारी आए हैं, देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सीएम के आने पर यहाँ कोई त्रुटि न रह जाए। कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर जिला की सारी जनता उनके स्वागत के लिए। देखिए, ये हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती है, इसको लेकर के सभी इंतजाम हम लोग जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं सभी जगह पर तैयारियाँ की जा रही हैं। और यहाँ पर अभी हमारे जो दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर ज्वाइंट जो है ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो अलग अलग जो जगह हैं जो भी उनसे जुड़े हुए हैं जगह, उन जगहों पर माल्यार्पण का और दीप प्रज्वलन का ये माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा संभावित है, तो विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई है और कैसे कार्यक्रम कराया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उसी क्रम में स्थल निरीक्षण हम लोग किया जा रहा है। हम लोग थाना की ही तैयारियों को देखना है कि थाना में आवश्यक संसाधन जो हैं और थाना में जो भी मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए वो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि थाना का उद्घाटन और थाना का कार्यक्रम जो है वो बढ़िया से किया जा सके।